वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि BMC मशीन में PCD का यूज़ करके प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसी पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि PCD का यूज़ क्यों किया जाता है, PCD का फुल फॉर्म क्या होता है, PCD का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, PCD का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि PCD का फुल फॉर्म क्या है। तो PCD का फुल फॉर्म है पिच सर्किल डाया, यानी कि कोई सर्कल है और उस पे समान पिच पर, यानी एक समान पिच पर कोई होल बनाना है तो उसी को हम बोलते हैं पिच सर्किल डाया। इसका उपयोग हम वहीं पे कर सकते हैं जब हमारा जो रेडियस होगा वहाँ पे सेम होगा, यानी कि हमें जिग जैग होल बनाने के लिए PCD का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ये होल है, ये कोई पार्ट है, हमें यहाँ होल करना है, यहाँ होल करना है, यहाँ होल करना है, तो यहाँ के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। ये कहाँ के लिए अप्लाई होगा, मान लीजिए कोई ये सर्कल है और यहाँ पे होल करना है, यहाँ पे होल करना है, यहाँ पे होल करना है, यानी कि या तो सेम ये जो हो गया ये इसके किसी सर्कल के परिधि पर होल बन रहा है और वो जो होल बन रहा है वो एक समान रेडियस में बन रहा है। देखिए ये रेडियस, मान लीजिए रेडियस क्या होगा, समान होगा ना, एक समान रेडियस पे ये होगा, तो वहीं पे हम इसका उपयोग करेंगे। इसका जो यू है इसमें हम जो यूज़ करेंगे पिच सर्किल डाया का, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो G68 का उपयोग करते हुए हम बनाएंगे। G68 क्या है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो G68 को हम कोऑर्डिनेट रोटेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट रोटेशन का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेट जो होता है उसको किसी एंगल में रोटेट कर देना। मान लीजिए कोई ये इसको, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इसको हमें यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी कि आप अगर वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो कोई भी कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड आपको आगे नहीं आएगी, आपको अच्छी तरीके से जो फैक्ट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स हैं सारे मैं क्लियर करते हुए बताता चलूँगा। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप वीडियो में बने रहेंगे तो आई होप आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा PCD प्रोग्रामिंग को हम बनाएंगे। PCD सर्कल में जो होल हमें बनाना है वो हम तीन टाइप से बनाएंगे, और तीनों टाइप को हम अलग अलग तरीके से हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टाइप है वो है एक रेक्टेंगुलर कोई शेप है, जिसका जो शेप वो डायमेंशन है वो 200 mm लंबा है, 150 mm चौड़ा और 15 mm की मोटाई है। ये कोई रेक्टेंगुलर टाइप का हमारा कोई प्लेट है, उसमें ये परफॉर्म करना है। एक होल ये मारनी है और एक ये होल, दूसरी होल ये मारनी है। 15 mm के डिस्टेंस पे ये है, दूसरा है 35 mm के डिस्टेंस पे। अब पिच सर्कल का मतलब ये होता है कि ये कोई, ये दोनों होल हैं तो इस दोनों होल से सर्कल में ही ये भी दो होल हैं, से ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इन होलों का भी उतना ही डिस्टेंस है जितना इन दोनों का है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। ये जो हमने हेडर नोट कर दिया है, जनरली हर प्रोग्राम में हेडर सेम हो ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत या टूल का चेंज हो, अलग हो, चेंज जो होता है टूल नंबर अलग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हम सबसे पहले लेंगे G0, G90, G54। उसके बाद हम पहला अपना इस ड्रिलिंग का हम कोऑर्डिनेट देंगे X 15.0, Y 0.0। उसके बाद कूलेंट स्टार्ट का हम कमांड दे देंगे G0, G43। एच नंबर हम दे देंगे और Z 50.0 दे दिया हमने। यहाँ पे Z नंबर दे दो आप 30.0, Z 50.0 और M03, S 2000 का हमने दे दिया
और यहाँ पे हमने कूलेंट स्टार्ट कर दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग साइकिल का जो कमांड होता है G81 का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे G81 Z में यहाँ पे जो ड्रिल करना है वो 15 mm के डेप्थ में करना है और थ्रू होल है, क्योंकि ड्रिल जो होता है थोड़ा सा हमको 2-4 mm एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है, इस वजह से हम 5 mm एक्स्ट्रा लेकर के हम ड्रिल कर रहे हैं। तो -20.0 हम R 5.0 लेते हैं और फीड हमने दे दिया 200 का, इंडा ब्लॉक दे दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, पहला ड्रिल जो चलेगा वो यहाँ पे चल जाएगा। दूसरे ड्रिल के लिए हम कमांड देते हैं, कोऑर्डिनेट देते हैं एक्स 35.0 वाई 0.0। ठीक है, अब ये यहाँ भी ड्रिलिंग हो गई, दूसरी यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट रोटेशन का हमें कमांड देना है। तो कोऑर्डिनेट रोटेशन में होता क्या है, जैसे ही हम G68 देते हैं तो G68 का मतलब ये होता है कि उसको ये सेंटर पता होना चाहिए, यानी सेंटर को रीड करेगा, और वहाँ पे जब हम सेंटर रीड करेगा तो वो कहेगा कि पूछेगा, उसका मतलब है कितने एंगल पे घूमना है, यानी कि इसको कितने एंगल पे रोटेट करा देना है। मान लीजिए कोई है, कितने एंगल पे रोटेट कराना है वो चीज़ हम देते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे G68 एक्स 0.0 वाई 0.0, और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि एंगल हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये देखिए, एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, तो तीन लाइनों पे हमारे होल बन रहे हैं। तो एक सर्कल का जो हमारा टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होती है, तो 360 डिग्री को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आएगा 120 डिग्री आएगा। तो इस लाइन से और इस लाइन के बीच में कितनी डिग्री हो गई, 120 डिग्री, और इस लाइन से इस लाइन के बीच में कितनी डिग्री हो गई, 120 डिग्री। हम इस लाइन को जीरो लाइन मान लेंगे, यानी कि ये लाइन जो हमारी हो गई जीरो लाइन, और एक आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो हो गया वो 120 हुआ, तो हम R यहाँ पे 120 दे देंगे। R 120 देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट था इसी कोऑर्डिनेट को हम रिपीट कर देंगे, यानी कि X 15.0 Y 0.0, उसके बाद X 35.0 Y 0.0। इतना जैसे ही हम कमांड देंगे तो यहाँ भी सारे दोनों होल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर हम जब सेकेंड इसके लिए देना है तो अब सोचिए, यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री है, बट हम इसको जीरो लाइन मान रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। तो 240 डिग्री को, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 240 डिग्री दे देंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे G68 लिखेंगे, X 0.0 Y 0.0 और G68 X 0.0 Y 0.0 और R हम देंगे 240, R दे दिया हमने 240। तो ये जो कोऑर्डिनेट रोटेट हो जाएगा वो ऐसे, यानी कि ये था और ये रोटेट होके ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो फिर हम यही इसी कोऑर्डिनेट को हम वहाँ दे देंगे, X 15.0 Y 0.0 X 35.0 Y 0.0। तो ये ड्रिल भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देंगे, G68 कैंसिलेशन का कमांड का हम यहाँ पे कोड दे देंगे, यानी कि G69 दे देंगे और G80 दे देंगे, तो हमारा कैन नॉट साइकिल कैंसिलेशन हो जाएगा। और फिर हम दे देंगे G0 Z 50.0 और फिर हम M05 दे देंगे और M30 हम दे देंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रीसेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ G68 जो है, G68 जो हम लिख रहे हैं, X0 Y0 क्यों लिख रहे हैं।
तो एक्स जीरो वाई ज़ीरो हम इस वजह से लिख रहे हैं कि हम मशीन को ये बता रहे हैं कि सेंटर जो है तुम्हारा जी 54 का जो सेंटर है वही सेंटर से जो रोटेट होना है, एंगल लेना है उस एंगल से, इसी सेंटर से ही तुम्हें एंगल लेना है, रीड करना है। तो इसीलिए हम एक्स जीरो और वाई ज़ीरो हम देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नए टाइप टू की तरफ, जिसमें हम एक सर्कल में हम पीसीडी का यूज़ करके कैसे प्रोग्राम बनाएंगे उस पर हम देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप टू की तरफ। टाइप टू में क्या है, मान लीजिए कोई सर्कुलर प्लेट है या फिर कोई फ्लाईव्हील है और उसमें आपको पीसीडी करनी है। पीसीडी जो दिया हुआ है, जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको सिर्फ इतना दे देता है, वो कह देता है कि 80 के पीसीडी में आप 8 होल करिए और प्रोग्राम बना के दिखाइए। तो आपको क्या करना होता है, ड्रिल साइज भी वो दे देता है, आपको एंगल निकालना पड़ता है, एंगल निकाल के आपको उसका पीसीडी देना बनाना पड़ता है। तो अगर इतना दे देगा यानी बोल देगा पीसीडी 80 की है और 8 का हमें होल बनाना है। तो पीसीडी 80 का मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस हो गया वो 40 के रेडियस का पीसीडी बनेगा, यानी जो यहाँ से यहाँ का होल होगा वो कितना होगा, 40 होगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम इसको जो यूज़ करके हम बनाएंगे वर्क कोऑर्डिनेट रोटेशन का G68 का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जनरली मैं हेडर का बाईपास कर रहा हूँ, क्योंकि हेडर अगर हम बनाने लगे तो उसमें कम से कम 2-3 मिनट का टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है। हम डायरेक्ट प्रोग्राम मेन प्रोग्राम से शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, इसमें प्लेट को क्या किया, हम डायल कर लिए, यानी कोई सर्कुलर पार्ट है जो वर्क सेंटर हुआ हमारा, इसको हमने सेंटर बना लिया, वर्क सेंटर बना लिया। तो यहाँ पर डायलिंग करके हम G54 वर्क कोऑर्डिनेट बना लिए। वर्क कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने दे दिया G0, G90, G54, ठीक है। उसके बाद हम इसका कोऑर्डिनेट देंगे, X 40.0, Y 0.0, Z हम दे देंगे 30.0, ठीक है। इसके बाद हम देंगे G0, G43, H नंबर दे देंगे और Z 30.0, M03, S 2000 दे दिया। फिर हम ड्रिलिंग साइकिल देंगे, यहाँ पे हम एक बार G83 यानी पैक ड्रिलिंग का उपयोग करके आप लोगों को बता देता हूँ कि पैक ड्रिलिंग कैसे होता है, साथ ही साथ आप लोगों को पैक ड्रिलिंग के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। तो हम ड्रिलिंग G83, G98, G83, Z माइनस, यहाँ पे मान लीजिए जो होल का ड्रिल डेप्थ है वो हम ले लेते हैं 10 mm, तो 10.0। यहाँ भी हम 1-2 mm ज़्यादा ही ले लेते हैं और R 5.0, Q 2.0 और F दे देते हैं हम 200, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार ड्रिल क्या करेगा इसको, ये ड्रिलिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे G68 का। तो यहाँ G68 कमांड दे देंगे, X 0.0, Y 0.0 और यहाँ पे हम R जो होता है वो एंगल होता है, तो यहाँ से जो एंगल होगा कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर ये दे दिया पीसीडी 80 की है और 8 का ड्रिल करना है, तो पीसीडी का जो हमारा एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो इस तरीके से हमने ऑलरेडी निकाल के दिखा दिया है और पहले भी बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, यही जो को एंगल दे देंगे, ये एंगल दे दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट दे देंगे, X 40.0,
y0.0, फिर हम g68 x0.0 y0.0 और r दे देंगे। अब यहाँ जैसे ये आया तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ दे देंगे 90.90, फिर यहाँ पे दे देंगे x40.0 y0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इसी तरीके से हम एंगल को देते रहेंगे, जैसे हम फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर जब हम इसको बनाना होगा तो ये एंगल देंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये 90 हो गया, 90 में जब 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, 135। तो हम यहाँ क्या देंगे, g68 x0.0 y0.0 और r 135, तो हमारा होल यहाँ पे लग जाएगा। फिर हम वही कोऑर्डिनेट दे यही दे देंगे x40.0, y को लिखने की ज़रूरत नहीं है, y हमेशा जीरो रह रही है तो y को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ का जब दे देंगे तो g68 x0.0 y0.0 r कितना हो जाएगा, इसमें 45 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 180, यहाँ से यहाँ तक का क्या एंगल होता है 180 ऑलरेडी होता है, तो 180 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम ये दे देंगे 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक, फिर हम इसका देंगे g68 x0.0 y0.0 और इसका देंगे तो 180 में 145 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है, जो 225 और हम x40.0 हो जाएगा। फिर हम क्या देंगे, इसको देंगे, ये वाला होल का देंगे तो कितना हो जाएगा, अब 225 में हम 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270। g68 x0.0 y0.0 और r 270 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसका कोऑर्डिनेट देंगे, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे x40.40 हो जाएगा सेम। अब बचा कौन सा हमारा, ये बचा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब बचा आठवां होल, तो आठवां होल जो होगा वो ये होगा, आठवां होल ये होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, g68 x0.0 y0.0 और r इसमें जब 270 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315, यानी कि 45 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा 315 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दे देंगे x40.0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। जब यहाँ पे ड्रिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्या देंगे, यहाँ पे g68 कैंसिलेशन का कमांड दे देंगे, यानी g69 हम दे देंगे और यहाँ कैनॉट साइकिल कैंसिलेशन का कमांड दे देंगे, फिर g0 z50.0 और नीचे दे देंगे m05 और इसके आगे हम दे देंगे m30 और हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ड्रिलिंग साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो G83 पैक ड्रिलिंग होता है उस पैक ड्रिलिंग कैसे परफॉर्म करता है। आइए यहाँ पे थोड़ा बहुत हम पैक ड्रिलिंग के बारे में समझ लेते हैं कि पैक ड्रिलिंग जो साइकिल कमांड होता है, ये जो पैक ड्रिलिंग साइकिल कमांड G83 के नाम से जाना जाता है, इसमें जो क्यू होता है वो क्या होता है, मान लीजिए कोई ये होल है, ठीक है, 20 mm डेप्थ में होल हमें करना है, तो 20 mm का कोई होल हमें करना है तो 20 mm को हमें पैक में करना है, यानी कि 2 mm एक बार करना है, फिर उसके बाद 2 mm करना है, फिर 2 mm का, यानी कटिंग जो देना है वो 2 mm का कटिंग देते रहना है, यानी कि एक बार में ये 2 mm यहाँ काटा, फिर ये चला फिर 2 mm काटा, फिर ये चला फिर 2 mm काटा, फिर ये चला फिर 2 mm काटा, यानी कि कितने पैक में काटेगा, अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप, यानी कि 10 पैक में काटेगा, यानी कि ये जो 20 mm का ड्रिल कंप्लीट होगा वो टूल क्या हो जाएगा,
10 बार उठेगा ऊपर नीचे ऐसे पैक में फिर जाएगा, यानी कि 10 पैक लेगा तब जा करके वो 20 mm का ड्रिल कर पाएगा। यहाँ पे आर जो होता है वो आर पॉइंट होता है, यानी कि कोई ये पार्ट है, इस पार्ट से मान लीजिए टच पॉइंट हम ये बना रखे हैं, यहाँ पे ये Z0 हमने Z0.0 यह इस पार्ट के फेस पे बना रखे हैं, तो इस पार्ट के फेस से जो ये डिस्टेंस होता है 5 mm या 2 mm जितना भी हम होंगे ऊपर, इस पार्ट से 2 mm ऊपर से हमारा क्या होगा, रुक जाएगा टूल या उठ के अगले पॉइंट पे जाएगा। बाकी इसके बारे में हम डिटेल्स एक और वीडियो इसके लिए हम बना देंगे जिसमें हम समझेंगे डिटेल से। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 3 की तरफ, होल एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू कैसे बनाते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने टाइप 3 में। तो टाइप 3 में मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल में ही हमें PCD बनाना है, बट हम G68 का यूज़ नहीं करते हैं, हमें एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हमें PCD बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, सेम वही है 40 का हमारा 80 का PCD में हमें 9 होल करने हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत ही ईजी होता है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं। मान लीजिए ये होल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें पता है 40 है, और यहाँ से इसका जो ये एंगल बनेगा, यानी कि ये भी एक क्या है, रेडियस ही है, रेडियस जो है 40 का, तो यहाँ से ये हाइपोटेनियस जो हो गया, कर्ण हो गया, वो भी 40 हो गया। अब यहाँ समझने वाली एक बात ये है कि जो डिस्टेंस लेता है हमारे कोऑर्डिनेट के लिए वो लंबवत डिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ से जो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ का हमें कोऑर्डिनेट देना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे मेन बात है। तो ये मान लीजिए हमें लंबवत लाइन खींच लिया, लंबवत लाइन जब खींच लिया, खींचने के बाद ही हमारा रेक्टेंगुलर बन गया। जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। तो ये दो बाकी जो बचे एंगल हो गए, वो अगर ये 90 का है तो बाकी जो बचे एंगल होंगे वो कितने होंगे, 45 डिग्री के, यानी कि ये जो होगा 45 डिग्री का होगा। अब हम 45 दो चीज़ें हमें मिल गई, एक तो डिग्री मिल गई और एक ये कर्ण मिल गया, तो इन दोनों के से हम क्या लेंगे, ये लंबवत दूरी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लंबवत दूरी निकाल लिया है और यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। जनरली आप लोग अगर हाई स्कूल इंटर में ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी तो आप लोग जानते ही होंगे। बाकी जैसे ही करेंगे तो ये हमारी यहाँ से ये जो दूरी आ जाएगी, यानी कि लंबवत दूरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28.28। अब हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो सेंटर से क्या मिला, वो सेंटर से मिला, हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं G90 G54, और हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे, तो x कितना हो जाएगा 40.0 और y 0.0, हम z ले लेंगे 30.0, ठीक है। अब यहाँ से हम सेम वही s 2000, कूलेंट का आप लोग कोड वगैरह लगा लेना। बाकी हम ये कोऑर्डिनेट ड्रिलिंग साइकिल का हम दे दिए G81 और यहाँ पे G98, फिर हम दे दिए Z, हम मान लेते हैं 10 mm का ड्रिल डेप्थ है हमें करना है, और हम यहाँ पे R दे दिए 5 mm और फीट दे दिए 200 का, ठीक है। हम सेकेंड जो कोऑर्डिनेट देंगे ये इसका हमें कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, तो सेकेंड का मान लीजिए एक नंबर है, दो नंबर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें होल। सेकेंड होल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, देखिए एक्स में कितना हो गया, एक्स में इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ। अब क्या है, यहाँ पे जब हमें ये मिल गया और ये मिल गया, तो ये तीसरी हमें क्या हो जाएगी, ये यहाँ से ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये अपना हम निकाल लेंगे, यानी ये आधार भी निकाल लेंगे और यहाँ से ये लंब भी निकाल लेंगे इस फार्मूले के थ्रू। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है, और इस वजह से हमें जो 0.2 मिलेगा, यानी इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा वो एक्स में 28.28 और वाई में 28.28 होगा। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हम इसका ये जब ड्रिल मार के फिर सेकेंड पे जाएगा
तो ये एक्स हो जाएगा 28.28 और वाई में क्या हो जाएगा 28.28। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स 0.0, वाई 40.0। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ जब आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आपका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये इधर आ जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 28.28 और वाई 28.28। अब नेक्स्ट जब इस पे हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस 40.0 और वाई 0.0 हो जाएगा। फिर जब इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, एक्स माइनस माइनस 28.0, वाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 28.0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब यहाँ इस होल को हम लेंगे तो एक्स 0.0 हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा, माइनस 40.0 हो जाएगा। उसी प्रकार जब इस कोऑर्डिनेट पर हम जाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 28.0 और वाई क्या हो जाएगा, माइनस 28.0 हो जाएगा। सॉरी 28, यहाँ जहाँ हमने 0.0 लिख रहे हैं वहाँ पे आप 28.28 नोट कर लेना, बाई मिस्टेक ये हो गया है, तो 28 यहाँ कर लो आप 28। ठीक है, तो हमारा ये होल हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहीं से हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे G0Z 50 mm और उसके बाद हम अपना स्पिंडल को स्टॉप करके M30 डाल करके प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो मेरा हम मोटिव था ये पूरा तीनों टाइप बताने का, कि आपको एक एक ही वीडियो में जो छोटे छोटे कन्फ्यूज़न होते हैं उसको दूर किया जाए, क्योंकि एक ही वीडियो होगा तो आपके आप जब एक ही बार सारे वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप जो भी डाउट होगा वो इमिडिएट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई डाउट्स रहती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, जो भी कमेंट सेक्शन दिया है उसमें आप जाकर के कमेंट्स करिए, उसका ज़रूर मैं रिप्लाई करूंगा। और हो सके तो जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप बताइए, इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया जाएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट। तो चल जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।